जितने दंगे हुए इस देश में, उसमें कुछ दंगों को छोड़कर, और मैं ये सरकारी रिपोर्ट के बिना पे कह रहा हूं, दिस इज ऑल जुडिशियल कमीशन, ऑल जुडिशियल कमीशन हैव सेड आरएसएस हैड अ सेंट्रल, आरएसएस हैड सम रोल और द अदर, सेंट्रल रोल है, सेंट्रल रोल, जमशेदपुर हो, गुजरात हो, बिहार हो, यूपी हो, कहीं पे. नाउ टेल मी एज अ सिटीजन, हाउ डू आई ट्रस्ट माय एसपी और माय डीएल व्हेन आई सी हिम गोइंग टू साखा इन द मॉर्निंग. वो कहते हैं कि हमें कश्मीर में भी उसी तरह इलाज करना चाहिए जैसा इजराइल पैलेस्टीनियन के साथ करता है. तो यदि हम इस थिंकिंग के ब्यूरोक्रेट्स लाएंगे और उनकी पोस्टिंग कश्मीर में होगी, वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? स्पष्ट रूप से आईएएस और आईपीएस अधिकारी अगर आरएसएस के मेंबर्स हों और वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जहां दंगा हो जाए, तो उनकी क्या भूमिका होगी? सर्विस रूल्स जो 1964 के, उसको ये वायलेट करता है और उसके पीछे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है. आप मतलब आरएसएस के इतिहास में देख सकते हैं कब कब उनकी राजनीति में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी, या फिर उनके संविधान को भी उठा के देखिए, आपको स्ट्रेट अवे इस तरह के क्लॉजेस और भी देखने को मिले. ये तो बिल्कुल मिथ्या है, झूठ है कि ये एक सिर्फ एक सांस्कृतिक संस्था है. ये पूरी तरह से राजनीति के अलावा वो सब कुछ करते हैं. सलाम, नमस्ते, जिंदाबाद. आज हम जो सीरीज़ है, ये दाग दाग उजाला, देश के हालात के बारे में बातचीत, इसमें हम इसके एक और कड़ी में हम आपको स्वागत करते हैं. आज की बातचीत हम लोग जो सरकार ने अभी हाल ही में निर्देश जारी किए हैं कि सरकारी अधिकारी और न्यायाधीश अब आरएसएस के सदस्य हो सकते हैं औपचारिक रूप से अपने सेवाकाल के दौरान, देश के हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए इसका क्या, इसके क्या असर होगा या कुछ असर होगा भी कि नहीं, इसके बारे में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है. और मैं कुछ कहूँगा भी कि क्यों ये बातचीत ज़रूरी है. लेकिन सबसे पहले मैं अपने पैनल को बहुत ही बेहतरीन जो साथी इसके बारे में बात कर सकते हैं मेरे साथ हैं. सबसे पहले अशोक शर्मा जी हैं, ये इंडियन फॉरेन सर्विस के अफसर रहे हैं, कई देशों में उन्होंने देश का नेतृत्व किया है, रिप्रेजेंटेशन किया है, कजाकिस्तान, फिनलैंड देशों में ये एम्बेसडर भी रहे हैं. लेकिन इसके साथ साथ इनकी और एक पहचान भी है कि बहुत प्रगतिशील नागरिक के तो हैसियत से सरकार में रहते हुए भी और सरकार में रहने के बाद भी उनकी ये एक भूमिका और भी ज़्यादा ज़रूरी है. दूसरे हमारे साथी नीलेंद्र मुखोपाध्याय हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं और बहुत कुछ उनके कई विषयों पे लिखते हैं, लेकिन हिंदुत्व और उसकी उससे जुड़ी हुई राजनीति में आपका आपकी विशेष दिलचस्पी भी रही है. आपने नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक बायोग्राफी लिखी है. आरएसएस के जो प्रमुख चिंतक हैं इनके बारे में भी आपने लिखा है और बहुत कुछ और भी लिखे हैं. हमारे तीसरे मेहमान अक्षय मुकुल हैं. अक्षय मुकुल लगभग आई थिंक 20 सालों तक आप पत्रकार रहे अलग अलग जगहों में. उसके बाद आपने सोचा कि मैं एक शोधकर्ता लेखक बनूं और उनका जो पहली किताब थी
बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ द हिंदू नेशन, और देश के अलग अलग जो पुरस्कार हैं नॉन फिक्शन राइटिंग के, उन सबको सब ने इसी किताब को चुना। गीता प्रेस की जो भूमिका रही हिंदुत्व विचारधारा को आगे बढ़ाने में, उस पर आपने लिखा है। अज्ञेय पर आपका एक बायोग्राफी भी है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर इस विषय पे प्रकाश डालने के लिए इससे अच्छा एक पैनल नहीं हो सकता। अपनी बातचीत रखने से पहले, और सबसे मैं एक आईएएस अधिकारी रहा हूँ ऑलमोस्ट 20 सालों तक, 6 ज़िलों में, कलेक्टर भी रहा, मसूरी एकेडमी में भी रहा, और मैं बहुत गहराई से समझ पा रहा हूँ कि जब हिंसा होती है जाति के नाम पे, मज़हब के नाम पे, तो सबसे अहम भूमिका वहाँ के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की होती है। शांति, और ऐसी शांति जो इंसाफ पर आधारित हो, उसको बहाली के लिए। और मैंने देखा है कि जिन अधिकारियों का संविधान के मूल्यों के प्रति एक विश्वास और निष्ठा है, वो उस वक्त की राजनीतिक जो कोशिशें हैं, और कोई भी तथाकथित जिसको दंगा हम कहते हैं, ये कुछ घंटों से ज़्यादा नहीं चल सकता अगर सरकार की उसमें सहमति ना हो। तो उसमें जिन लोगों जो अधिकारी दंगे को, सांप्रदायिक हिंसा को रोकते हैं, जाति हिंसा में बीच में जाते हैं, न्याय करने में उनकी भूमिका रहती है, उनका एक किस्म का चरित्र होता है और एक विचारधारा, उनकी जो प्रमुख विचारधारा है वो संविधान के मूल्यों के प्रति है। अब आरएसएस की जहाँ तक बात है, और जो जजेस हैं, न्याय आगे चल के तो न्याय वही देंगे, तो उनका भी इस मामले में बहुत साफ, जातीय समानता, अलग अलग मज़हब के लोगों का इस देश में क्या हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्या हक होने चाहिए, इन सब में उनकी क्या विचारधारा है, उसकी भी एक बहुत अहम भूमिका रहती है। आरएसएस का मेरे कार्यकाल के दौरान मैंने बहुत कुछ उसका फंक्शनिंग देखा हूँ। ज़िला कलेक्टर के होते हुए जब पूरा बाबरी मस्जिद का मूवमेंट रहा, सिखों के खिलाफ जो हिंसा हुई, ये मैंने प्रशासनिक अधिकारी के हैसियत से देखा, और 2002 में सरकारी सेवा से मैं अलग हुआ जब गुजरात में हिंसा हुई, उनसे प्रभावित लोगों के बीच में मैंने कई सालों तक काम किया, मुजफ्फरनगर के हिंसा के लोगों के बीच में भी काम किया, और उसके पिछले कई सालों से जो लिंचिंग का दौर चल रहा है, इन सब में मेरी समझ में आरएसएस की भूमिका अधिकांश इन सारे मामलों में केंद्रीय रहा है। राजनीतिक दल और सरकार की भी भूमिका रही, लेकिन आरएसएस के संगठन, क्योंकि बिना नफरत के उत्पादन के कोई हिंसा, इस तरह की हिंसा नहीं होती है। नफरत सामान्य तौर पे उसको उसमें आग या घी डाली जाती है, तब वो बढ़ता है, और फिर एक आयोजन भी होता है, और इस सब में मुझे लगता है कि आरएसएस और उससे जुड़े हुए संस्थाओं का की भूमिका बहुत अहम रही है, ये मैं बहुत साफ कहना चाह रहा हूँ। लेकिन ये मेरी समझ और मेरी दृष्टि है। आप दोनों पत्रकार रहे और आपने आरएसएस को का अध्ययन भी किया है, तो मेरा पहला सवाल यही है कि आपकी समझ में, अक्षय आपसे शुरू कर लेते हैं, आरएसएस जो संगठन है, आज तो कहा जा रहा है कि इट्स अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एक सांस्कृतिक संस्था है, आप कई सांस्कृतिक संस्थाओं में हम लोग जुड़ सकते हैं, आपको संगीत में शौक़ है, फिल्मों में शौक़ है, कविता की शौक़ है, इसी तरह से एक और सांस्कृतिक
संगठन है उससे आप जुड़ सकते हैं। आपकी समझ में आरएसएस व्हाट इज़ इट स्टैंड फॉर, आरएसएस उससे जुड़े हुए संस्थाएं व्हाट इज़ द मतलब सरकार ये अधिकारी की क्या भूमिका होनी चाहिए उसके बारे में मैं अलग से बात करता हूँ। ये संगठन है क्या अक्षय आप बताएं। संगठन वही हिंदू राष्ट्र की जो इनकी 1926 से जो इनकी रही है जिसको कहें द गोल द अल्टीम हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, और 2014 में वो पहली बार अगर आप देखें 2014 में जब सरकार मोदी जी की सरकार आती है तो खुलकर ये करें कि पहली बार हुआ है 1947 के बाद कि पूर्णतः अपने बहुमत पर हिंदू सरकार बनी। अब हिंदू सरकार बनी है तो हमारा एजेंडा भी है कुछ जो हम सब जानते हो, कश्मीर का मुद्दा हो, गाय का मुद्दा हो, और जहां तक ये ब्यूरोक्रेसी पे भी मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा कि अगर आप देखें 1946 में एक बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट है हिंदू महासभा के रिजोल्यूशन का जो गोरखपुर में उनकी एनुअल मीटिंग हुई थी, उसमें जो है कि वो तय है कि पाकिस्तान बनना है, अब हम कुछ कर नहीं सकते, तो 12 पॉइंट का उनका एजेंडा है। उसमें अगर आप देखें वो अगर आप आज पढ़े तो लगेगा कि ये 2014 में पारित हुआ, इट्स एज फ्रेश फॉर देम, तो वो ध्वज का मामला हो और वही सरकारी नौकरी की सवाल, तो वो कहते हैं कि आर्मी में तो मुसलमान होना ही नहीं चाहिए, सरकारी सेवाओं में अपने अनुपात से मुसलमान के अनुपात से वो सर्विस में होना चाहिए, और अगर वो तब भी जब अगर उसी अनुपात में हिंदुओं को पाकिस्तान में नौकरी मिल रही, और उनका हमेशा से रहा है कि ये इंस्टीट्यूशन को कैप्चर करने का यही तरीका है। पहला मौका जब उनको 77 में मिलता है सरकार में आने का वो जेपी मूवमेंट के बाद, बाकी सोशलिस्टों तो आपस में ही लड़के चले गए, सिर्फ बीजेपी उस जमाने का मतलब जो जनसंघ उन्होंने ही आप इंस्टीट्यूशन मीडिया में नीलांजन विल बेल मी आउट ऑन दिस, मीडिया में उस वक्त गिन गिन कर लोगों को बैठाया गया जो बाद अगले 10 साल में बहुत बड़े संपादक और पत्रकार बन गए, यही उन्होंने हर जगह किया। तो ये इंस्टीट्यूशन कैप्चर का उनका ये पुराना ही है, ये तभी होगा जब हम इंस्टीट्यूशन कैप्चर करेंगे। वाजपेयी साहब उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे जी, और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग उसमें तो समझ में आता है, फॉरेन सर्विस की पूरी प्रक्रिया में क्या उसमें भी आरएसएस का प्रवेश हुआ था आपकी हिसाब उस टाइम? अब उतना हुआ नहीं, लेकिन अभी जो अभी मैं अभी कह सकता हूँ जो लेटरल एंट्री हुआ और उस पर ज्यादा लिखा नहीं गया, जब मोदी सरकार ने एक लेटरल एंट्री शुरू किया ब्यूरोक्रेसी में, और मेरे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट फ्रेंड हु वेंट थ्रू द प्रॉपर रूट ऑफ यूपीएससी, दे आई हैव काइंड ऑफ crazy stories about these people. I'm not even getting into whether they were qualified, they were experts to join a joint secretary. Getting a puja corner in a room in a joint secretary's office to talking about it, ki it's my thing to implement 2050 ka Modi ji ka sapna, and the kind of things I hear from my journalist friends, my bureaucrat friends. So it has already begun. This was kind of the last thing which they wanted to do. और मे बी उनको लगता है, हमें लगता था कि इस चुनाव से वो कुछ और सबक लेंगे, लेकिन उस सबक ये है कि हम हर चीज को एक्सेलरेट करेंगे, वो मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हो, और उनको ये लगता होगा कि ये काम हमने नहीं किया, शायद ये भी करके देखते हैं। सो दिस इज अनदर स्टेप टुवर्ड्स प्रॉपर हिंदू राष्ट्र, वी ऑलरेडी आर इन मेनी वेज, द इंस्टीट्यूशंस हैव बीन कैप्चर्ड। पर निरंजन अगर बहस के तौर पे ये कहा जाए कि ठीक है हो, मतलब ऑलरेडी एक्चुअली मेरी कई लोगों से बातचीत होती है, कुछ लोग कहते हैं कि ऑलरेडी हैं, तो ऑल दिस इज डन इज फॉर्मलाइज समथिंग दैट ऑलरेडी वाज देयर, लॉट ऑफ पीपल जिनका आरएसएस से जुड़ाव है। सवाल मेरा यही है कि इज इट अ बैड थिंग, मतलब आरएसएस क्या ऐसी संस्था है जिससे सरकारी अधिकारी और जजेस और पुलिस अधिकारियों से रिश्ता होना खतरनाक है देश में, देश में जो संविधान ने जिस तरह का देश की कल्पना की थी उसके क्या ये खिलाफ है और क्यों? देखिए हर्ष जी, सबसे पहले तो ये इस सब्जेक्ट पे एक बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद, कि इसको बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है इस पूरे मुद्दे को।
तो उसी तरह से बारीकी मैं कुछ अलग अलग हिस्सों में इस चीज को मैं बांटना चाहूंगा। पहली बात तो ये, हमको ये दिमाग में रखना होगा कि 1966 में ये ऑर्डर पास हुआ था, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी उसके ठीक 10 महीने बाद, तब से लेके अब तक 2024 में इस ऑर्डर की वजह से आरएसएस की ग्रोथ और आरएसएस की पेनिट्रेशन, सरकार के अंदर जो लोग हैं उनमें कहीं किसी भी तरह से कोई रुकावट नहीं हुई है इस ऑर्डर की वजह से। प्रतिबंध जब से लगा 1960s में, उसके बाद से ऐसा नहीं कि लोग आरएसएस के साथ इन्वॉल्व होना बंद हो गए। अक्षय ने सही बताया कि 2014 के बाद तो पूरी तरह से शुरू हो गया, और खासतौर से जो लेटरल एंट्री की बात की, बिल्कुल मैं मानता हूं कि इसके बारे में कुछ ज्यादा एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, किसी ने एनालाइज नहीं किया कि ये लोग आए हैं, ये लोग, इन लोगों का बैकग्राउंड क्या है, इनको क्यों सिलेक्ट किया गया है। तो रुकावट नहीं आई, लेकिन क्या ये ऑर्डर करती है कि ये एक तरह से स्टेट का एक अहम जो विंग है उसके साथ फॉर्मलाइज कर देती है रिश्ता आरएसएस का। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो कि नहीं होना चाहिए। आरएसएस के बारे में जब अभी हम बात करें, क्योंकि अल्टीमेटली जाके वो इसी बात पे आ जाएगी कि सब आरएसएस तो बोलती है कि हम सांस्कृतिक संस्थान है और राजनीतिक नहीं है, तो आरएसएस को हम उसके आइसोलेशन में नहीं देख सकते। एक पूरा का पूरा 40 से ज्यादा, करीब 45-50 संगठन है, कुछ लोगों का तो मानना है कि 80 से भी ज्यादा वो संगठन है जो, जिसका हम लोग पत्रकारिता में आमतौर से यूज इस्तेमाल करते, संघ परिवार। तो उसको टोटैलिटी में देखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक तरह से हर संगठन के साथ एक दूसरे का सिम्बायोटिक रिश्ता है। तो आरएसएस की कैरेक्टर को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते, हमको देखना पड़ेगा कि वो संघ परिवार कितना इंटरट्वाइंड है भारतीय जनता पार्टी के साथ, पूरा का पूरा। तो संघ परिवार में तो मतलब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भी है, उसके बाद जो एजुकेशन के सेक्टर में जो काम करते हैं वो भी है, भारतीय मजदूर संघ भी है, सेवा भारती आपने सही कहा, किसानों के संगठन भी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी है, अध्यापकों के संगठन भी है, विश्व हिंदू परिषद है, ऐसा जरंगल है, सब कुछ जरंगल है, नहीं वो नहीं है, वनवासी सेवा आश्रम, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें इन लोगों ने, ग्राहक पंचायत में भी संघ के की संगठन है, एक सर्विसमैन में इनके संगठन है। तो पूरे तरह से समाज के हर कोने कोने तक, हर अलग अलग जगह तक इनकी पेनिट्रेशन है। तो हमको इनका मूल्यांकन अगर हम करें तो टोटालिटी में करना पड़ेगा। अगर आप आरएसएस को भी अगर आइसोलेशन में देखना चाहें कि वो वाकई पॉलिटिकल है या सांस्कृतिक है, तो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि उनके लिए इसका कोई महत्वपूर्ण नहीं था, उनके लिए कोई अपना संविधान की कोई महत्वपूर्णता नहीं थी। 1925 में संगठन का गठन किया था हेडगेवार जी ने, और 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल जो उसमें गृह मंत्री थे, उन्होंने एक तरह से शर्त रखी कि अगर आपको अपने बैन से बाहर आना है तो आपको आरएसएस का संगठन बनाना पड़ेगा। तब जाके 1949 में जाके उनका कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसको भूल जाते हैं हम लोग देखना कि उसके उनके पर्पस क्या है। उसमें प्रीएम्बल में ये लिखते हैं कि पर्पस ऑफ आरएसएस के बारे में, टू इरेडिकेट द फिसिपेरस टेंडेंसीज अराइजिंग फ्रॉम डाइवर्सिटीज ऑफ सेक्ट फेथ कास्ट एंड क्रीड एंड फ्रॉम पॉलिटिकल इकोनॉमिक लिंग्विस्टिक एंड प्रोविंशियल डिफरेंसेस अमंग हिंदूज। तो ये तो स्पष्ट है कि राजनीतिक मतभेद, डिफरेंसेस, हिंदू के अलग अलग जो सबकास्ट बोलिए या अलग अलग कम्युनिटीज बोलिए, उनके बीच में जो किस्म के फर्क है उनमें इकोनॉमिक भी है, लिंग्विस्टिक भी है और पॉलिटिकल भी है। तो जो संगठन इन चीजों के लिए बनी हुई है, जिसका काम है, तो ये तो पूरी तरह से राजनीतिक संगठन। तीसरी जो चीज है कि मेरे ख्याल से इस पे जो लोग हमारे हिंदू राष्ट्र का तो जिक्र है ही, इनके हिंदू राष्ट्र की स्थापना, जी जी जी, वो सब तो है ही, और अक्षय ने उसके बारे में तो खैर बताया ही है।
मैं जो एक चीज पे और जो ध्यान देना चाहता हूँ इस खास ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में, आप तो आईएएस में रहे, हम लोग तो नहीं रहे, लेकिन 1964 का जो सर्विस रूल्स का जो रिकॉर्ड है उसमें क्लियरली जो रूल 5 है वो बोलता है कि आप पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते। तो मेरे ख्याल से जो लोग कानून के क्षेत्र में जो एक्सपर्ट हैं उनको इस ऑर्डर का जो अभी इशू हुआ है इसका एग्जामिनेशन करना चाहिए, क्या किसी कोर्ट में जाके इस पे याचिका डाली जा सकती है कि ये सर्विस रूल्स जो 1964 के उसको ये वायलेट करता है और उसके पीछे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। आप मतलब आरएसएस के इतिहास में देख सकते हैं कब कब उनकी राजनीति में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी, या फिर उनके संविधान को भी उठा के देखिए, आपको स्ट्रेट अवे इस तरह के क्लॉजेस और भी देखने को मिले। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल मिथ्या है, झूठ है कि ये एक सिर्फ एक सांस्कृतिक संस्था है, ये पूरी तरह से राजनीति के अलावा वो सब कुछ करते हैं और ये राजनीतिक संस्था है और उसकी राजनीति भी हिंदू मतलब पूरे देश में अलग अलग समाज हैं, धर्म हैं, उनमें से एक को लेके उसके अंदर काम करने की बात है, वो भी एक और उससे पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है। अशोक जी, क्योंकि आप आपने पूरे वर्किंग लाइफ में आप फॉरेन सर्विस में रहे हैं, फॉरेन सर्विस में जो लोग बैठे हैं उनमें आइडियोलॉजी की क्या जगह है, और अगर खुल के मैं किसी देश का एम्बेसडर हूँ भारत का और मैं आरएसएस का भी सदस्य हूँ, उसका क्या मतलब, व्हाट विल बी द इम्प्लिकेशंस ऑफ दिस इन द वे वी कंडक्ट आवर फॉरेन रिलेशंस, आप बताएं। एक्चुअली भारत में काफ़ी कम लोगों को ये पता होता है कि इंडियन एम्बेसीज या इंडियन डिप्लोमेट्स बाहर क्या करते हैं जी, करते भी क्या है ये भी है जी। तो उसमें बहुत सारी डायमेंशंस हैं जी, पॉलिटिकल में बाइलेटरल और साथ में मल्टीलेटरल। एक तो हो गया कि आपके उस मुल्क से द्विपक्षीय संबंध क्या हैं, उन पर आपको काम करना होता है, उसकी रिपोर्टिंग करनी होती है, उसको स्टडी करना होता है, वहाँ के कल्चर के बारे में आप अच्छी तरह जानें, भारत सरकार को उसकी सूचना दें और जो भारत से आता है अपना व्यू पॉइंट वहाँ पे रखें या द्विपक्षीय समझौतों को आगे बढ़ाएं। दूसरी डायमेंशन है मल्टीलेटरल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस है, कोई भी जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वर्ल्ड बैंक है, IMF, इन सब में फॉरेन सर्विस का कुछ ना कुछ रोल रहता ही है, यूनेस्को है और जितने भी यूनाइटेड नेशंस के एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आजकल ब्रिक्स है, G20 है, आसियान है, अफ्रीकन यूनियन है, अपना सार्क है जो कि अब डिसफंक्शनल हो गया है, भूल ही गए हैं जी। तो इन सब में आपकी आइडियोलॉजी का और आपका क्या वर्ल्ड व्यू है उसका बहुत असर पड़ेगा। आज़ादी के बाद कम से कम जनता पार्टी के सरकार में आने तक, जब तक कि उस पर कोई सेफ्रनाइजेशन नहीं हुआ था या आरएसएस जैसे प्रभाव नहीं हुए थे, तो काफ़ी हमारा लिबरल एटीट्यूड था। कूटनिरपेक्ष सम्मेलन में हम लोगों का एक बहुत बड़ा रोल था नॉन अलाइनमेंट में, जिससे कि ऑफकोर्स आरएसएस की आइडियोलॉजी का कोई संबंध नहीं हो तो उसके हमेशा से विरोधी रहे थे, और यही कारण है कि 2014 के बाद आपने देख लिया है कि हमारा रोल घटता चला गया है नॉन अलाइंड मूवमेंट का, और अब तो नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में बात ही नहीं, यहाँ का मीडिया भी कुछ नहीं लिखता है। और फिलिस्तीन का मतलब, फिलिस्तीन में यासर अराफत, तो उसी विषय पे मैं आऊँगा। तो उसके एक तो ये डायमेंशन हो गया पॉलिटिकल डायमेंशन, दूसरी है कॉमर्शियल डायमेंशन। ऑफकोर्स कॉमर्शियल डायमेंशन में थोड़ा फर्क पड़ा है, जो कि इनकी जो आइडियोलॉजी है, हो सकता है कि पहले कॉमर्शियली इतना एक्टिव इंडियन डिप्लोमेट नहीं होते थे जितने कि पिछले 10 साल में हुए हैं, उसे हमें मानना पड़ेगा। इन्होंने फंडिंग भी बहुत की है, कॉमर्शियल वर्क पे इन्होंने जोर भी डाला है, वो बात अलग है कि वो इवेंट मैनेजमेंट बन के रह गया है, क्योंकि फाइलों का पेट भरना होता है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, अब कितना होता है वो बात अलग है। तीसरा है हमारा संस्कृति, जो हमारे इंडियन कल्चरल सेंटर्स हैं वो आज से नहीं, पिछले काफ़ी वर्षों से वो एक तरह से हिंदुत्व के सेंटर बने हुए थे। जैसे योगा के नाम पे जिस तरह की वहाँ पे हम प्रचार कर रहे थे, इंडियन कल्चर के नाम पे जैसा चल रहा है वहाँ पे, मैं ये नहीं कहता अभी पिछले 10 साल में, उससे पहले पहले भी
अब उसको ये बहुत ही संगठित रूप में और ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं, और उसको पता इस बात से लगता है कि किस तरह लोग के लोगों को डायरेक्टर कल्चरल सेंटर बना के भेजा जा रहा है। उनकी सब आरएसएस बैकग्राउंड के लोग कल्चरल सेंटर के डायरेक्टर बना के भेजे जा रहे हैं, जिनकी की समझ दुनिया की कुछ है ही नहीं, जो अपने एक ककून से निकलते हैं, अपने उसी कूपमंडूक तरीके से वहाँ पे हिंदुत्व का अपना एजेंडा लेके पहुँचते हैं। मुझे लगता है कि एक तरह से शायद लोग या तो खुश करने के लिए, अच्छी पोस्टिंग के लिए, प्रमोशन के लिए, सबसे बड़ी बात तो अच्छी पोस्टिंग का होता है, अच्छी मलाई वाली पोस्टिंग, अच्छी कंट्री में पोस्टिंग मिल जाए, बच्चे अच्छे पढ़ जाएँ, वहाँ सेटल हो जाएँ, उसके लिए लोग मोर लॉयल देन द किंग हो रहे हैं। यदि नहीं भी है तो भी वो करते हैं इस तरह की बातें। और एक और चीज़ है कि इंडियन एम्बेसीज अब इवेंट मैनेजर्स हो गए हैं, इवेंट मैनेजमेंट ज़्यादा है, जो सब्सटेंटिव काम बहुत कम है। कभी आप दीनदयाल उपाध्याय की जन्मदिन मनाएंगे, कभी किसी का जन्मदिन बनाएंगे, तो या कभी कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम पे कुछ उठपटांग करेंगे। तो जो इवेंट मैनेजमेंट में इतना बिजी उन लोगों को कर दिया गया है कि उनके पास कोई सीरियस काम करने का वक्त नहीं रहा है। और इससे सबसे बड़ी खतरनाक बात क्या है, इससे जो चौथी डायमेंशन है इंडियन डायस्पोरा। जी, मैंने देखा है कि बाय एंड लार्ज जितनी भी इंडियन एम्बेसीज हैं, माइनॉरिटीज उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होती थी। यानी 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी वहाँ पे मैं मजाक में कहता था कि हमें किराए के माइनॉरिटी वाले लाने पड़ते हैं, कि भाई कुछ मुस्लिम नाम भी इन्वाइट कर लो, बुला लो उन्हें भी, या जैसे कनाडा में जैसे सिख माइनॉरिटी के लोग, वो नहीं आते थे हमारे फंक्शन में, 15 अगस्त को भी नहीं आते थे। तो उनमें से कुछ कोशिश ये रहती थी कि हमारे यदि कोई किसी से पर्सनल ताल्लुकात हैं, होते हैं पर्सनल ताल्लुकात तो होते ही, उनसे कहा जाए कि नहीं भी पगड़ी लगाते हैं तो उस दिन पगड़ी लगा के आ जाए। ये कोशिश रहती थी कि कुछ रिप्रेजेंटेशन रहे 15 अगस्त 26 जनवरी को कि कुछ माइनॉरिटी के लोग भी आए। लेकिन मैंने देखा कि आमतौर पर उन मुल्कों में भी जहाँ पे कि लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स होता था, जैसे मैं कुवैत में पोस्टेड था, वहाँ पे भी हिंदुओं में ही ज़्यादा घूमते थे। यानी जो वहाँ पे हिंदू और मुसलमानों का लगभग बराबर ही परसेंटेज रहा होगा, लेकिन जो मुस्लिम्स थे वो इंडियन एम्बेसी में पासपोर्ट वीज़ा के लिए तो आते थे, अपने लेबर प्रॉब्लम्स, कॉमर्शियल प्रॉब्लम्स वो तो आते ही थे, उसमें तो कोई इस तरह की कोई कोताही नहीं थी। लेकिन जहाँ तक बात हुई कल्चरल एक्टिविटीज़ की, या 15 अगस्त की, 26 जनवरी की, लंच की या डिनर्स की, तो उसमें मुस्लिम्स बहुत कम होते थे। क्यों वो अपना वेलकम नहीं महसूस करते ना, वो, थे वो कुछ ये फील करते थे कि वी डोंट बिलोंग टू देम। यानी इंडियन एम्बेसीज में मैंने शुरू से ये देखा कि जो मुस्लिम डायस्पोरा है, या जो बाद में आफ्टर दिस 1980s के बाद स्वर्ण मंदिर का जो हुआ, गोल्डन टेंपल वाला जो केस हुआ है, और इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई, उसके बाद जो सिख डायस्पोरा है वो भी कटने लगा इंडियन एम्बेसी से। वो अपने काम से आएंगे, वीज़ा पासपोर्ट के लिए तो आना ही पड़ेगा जो भी काम होंगे, लेकिन वो कटने लगे, सोशलाइज नहीं करते थे, और फंक्शंस में भी उनकी उपस्थिति नगण्य के बराबर होने लगी थी। लेकिन वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा था। मैंने देखा था कि ख़ासतौर पर मनमोहन जी के टाइम में UPA1 में काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ था, कि जो इंडियन डायस्पोरा के जितने भी वो हिस्से हैं, जितने भी उनके घटक हैं, वो आने लगे थे इंडियन एम्बेसीज के फोल्ड में, थोड़ी बातें होने लगी थी। और मैं आपको बताता हूँ कि मेरा तो अभी जो मैं घूम रहा हूँ आजकल बाहर, मुझे तो लगता है कि अभी डायस्पोरा बंट रहा है। आप अमेरिका में देखिए डायस्पोरा में क्या हो रहा है, वह जो हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस भी बन रहे हैं उसके अगेंस्ट। ब्रिटेन में क्या हुआ, आप स्कॉटलैंड में देखिए, आप इंग्लैंड में देखिए, अलग अलग छोटे छोटे शहरों में देखिए डायस्पोरा किस तरह से बढ़ चुका है, हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, हिंदू में। तो ये सब चीज़ें इनको शह मिल रही है। पहले ऐसा था इनको शह नहीं मिलती थी, बल्कि इंडियन एम्बेसी कोशिश करती थी कि ये चीज़ें बिल्कुल ना हो। लोकल गवर्नमेंट को भी कहा जाता था कि इस तरह की चीज़ें ना हो। अब यदि वो शह नहीं भी देते हैं तो अब कम से कम वो चुप बैठे रहते हैं, वो कहते हैं कि होने दीजिए। तो ये जो इस तरह की, अभी तो ये हो रहा है कि बिना मेंबरशिप के हो रहा था, यदि मेंबरशिप हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा होगा।
दूसरी बात है कास्ट फैक्टर, जो कि हम भूल जाते हैं हमेशा, कास्ट फैक्टर बहुत बड़ा है। मुझे लगा कि जाति का एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे वो डिप्लोमेसी हो, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। मैं तो अपने ग्रुप में भी देखता हूँ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप है उसके अंदर भी कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं। ठीक है, हम लोग उसमें बात करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बात करते हैं, हम उसके अंदर प्रोग्रेसिव बातें करते हैं हमेशा, लेकिन मुझे देख के दुख होता है कि उसके अंदर जो दलित और जो हमारे ओबीसीज हैं उनका रिप्रेजेंटेशन और भागीदारी बहुत कम है। तो ये जो हमारी डाइवर्सिटी है वो दिखाई नहीं देती है कहीं पे। तो और उस डाइवर्सिटी को लाने के लिए, उसका डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा विक्टिम होता है हमारा डायस्पोरा, हमारा वर्ल्ड व्यू, उसी वर्ल्ड व्यू से हमारी फंक्शनिंग भी उस पर एफेक्टेड होती है, हमारी फंक्शनिंग पर बहुत ज़बरदस्त उसका असर पड़ता है। अशोक जी, आई थिंक ये बहुत ही यूज़फुल रहा जो आपने कहा, क्योंकि हम लोग देश के अंदर प्रशासन की भूमिका और उसकी निष्पक्षता के बारे में कुछ समझते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये जो आपने कहा कि आरएसएस लीगलाइज होने से पहले ही ये ट्रेंड हो गया कि आप इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं या इंडिया के हिंदुओं के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो फ़र्क ही नहीं रहा, और अब तो और ज़्यादा उसको फॉर्मलाइज होने की संभावना है। और अब उसका फायदा है करियर में, और सबसे बड़ी चीज़ है उसका करियर में फायदा है। अब हम जैसे लोग होंगे उनको तो मुझे लगता है कि बहुत ही गड्ढे में डाल दिया जाएगा, कोई पूछेगा ही नहीं जो प्रगतिशील हो। नहीं, मैं आईएएस के बारे में या पुलिस के बारे में थोड़ा और ध्यान देना चाहता हूँ, आप दोनों साथियों से बात करता हूँ। मैं करियर के दौरान एक वक्त में आईएएस एकेडमी जो मसूरी में था, वहाँ पे मैं फैकल्टी के तौर पे रहा। मैं 1993 में ज्वाइन किया था। एक साल पहले जब बाबरी मस्जिद गिराया गया था, तो उस बैच के टॉपर ने एक सेलिब्रेशन किया था आईएएस एकेडमी के अंदर, और वो आईएएस ऑफिसर थे, यूपी के थे, यूपी काडर में गए हम लोग। मैं उन तीन सालों में और मेरे जो बाकी साथी थे, डॉक्टर एनसी सक्सेना डायरेक्टर थे, हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि इस मुद्दे पे जो आपने बातें की, कम्युनलिज्म और कास्ट और जेंडर, इन तीन चीज़ों में, बट पर्टिकुलरली कम्युनलिज्म एंड कास्ट पे हमने बहुत कोशिश की, और मैंने देखा कि बदला जा सकता है। मतलब एक रुझान, एक सोच, आखिर नौजवान हैं, आदर्श हैं उनमें, लेकिन इट वाज अ बिग स्ट्रगल कि हम संविधान की रक्षा के लिए हमें बनाया गया है। ये याद करना कि जब आज़ादी हमें मिली थी, सरदार पटेल ने कहा था कि द सिविल सर्विसेज इज़ द स्टील फ्रेम, और मैं अब समझ रहा हूँ कि क्यों वो कहते थे, कि उनका ये कहना था, पार्टीशन हुआ था, जाति हिंसा रही, असमानता इतनी 2000 साल की थी, उनका ये कहना था कि राजनीति में जितना भी सांप्रदायिक और जाति जैसे भावनाएं आगे बढ़ाई जाए, रीजनल, ये एक स्टील फ्रेम रहेगा इस देश को की रक्षा में वो खड़ा होगा, उनकी निष्पक्षता के कारण से, उनके संविधान के प्रति उनकी उनकी जो कमिटमेंट है उसके कारण से। आज हम लोग प्रैक्टिस में भी काफ़ी दूर भटक गए हैं वहाँ से। मैं अभी रिसेंटली एकेडमी में गया था, मुझे लगा कि किस चीज़ की बात, अमृतकाल की वहाँ बात हो रही है, अलग अलग तरीक़ों से एक जो एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स वैल्यूज़, उसमें मैं आज मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि स्पष्ट रूप से आईएएस और आईपीएस अधिकारी अगर आरएसएस के मेंबर्स हों, और वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जहाँ दंगा हो जाए, या एक जाति के आधार पे दलितों पे हिंसा हो, तो उनकी क्या भूमिका होगी, इसके बारे में मैं मतलब मैं सोच सोच के परेशान हूँ। आप लोगों का क्या अनुभव है, मतलब
आप अगर आप 47 से लेकर 2024 तक जितने दंगे हुए इस देश में, उसमें कुछ दंगों को छोड़कर, और मैं ये सरकारी रिपोर्ट के बिना पे कह रहा हूँ, दिस इज ऑल जुडिशियल कमीशन्स, ऑल जुडिशियल कमीशन रिपोर्ट हैव सेड आरएसएस हैड अ सेंट्रल, आरएसएस हैड सम रोल ऑफ द अदर सेंट्रल रोल, सेंट्रल रोल, जमशेदपुर हो, गुजरात हो, बिहार हो, यूपी हो, कहीं पे. नाउ टेल मी एज अ सिटीजन, हाउ डू आई ट्रस्ट माय एसपी और माय डीएल व्हेन आई सी हिम गोइंग टू साफ्रन द मॉल, व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस विल हैव. Even without this, we saw what happened in Delhi riots. Right? People were in broad daylight. Police did what it did. Nothing happened. मैंने अपने मतलब सर्विस काल में देखा, और मैंने देखा कि उसका आप विरोध करेंगे आप, तो कोई आप मुख्यमंत्री भी जो कहे, मेरी जिम्मेदारी ये है, मैं ये करूँगा और मैं कर सकता हूँ, और उसका असर भी क्या हो सकता है. तो अगर आपका विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यू से बिल्कुल विपरीत हो, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, कैसे, मतलब एक आम नागरिक क्या करेगा, फिर कहाँ जाएगा. और ये कितने दंगों में, मैं कानपुर के दंगे हुए थे 2000 में, मैं रिपोर्ट करने गया था, और जिस तरीके से जो पुलिस के पास और जो प्रशासन के पास जिस तरह के हथकंडे होते हैं और उसको किस तरीके से यूज किया जाता है. अब एक आदमी के बारे में कहा गया कि ये एक इंटर कॉलेज के प्रोफेसर हैं और ये सबसे बड़े दंगा उन्होंने ही शुरू करवाया और ये चले गए हैं गल्फ, और न तो कोई पत्रकार न पुलिस उसको फैला रही, और रोज वहां के लोकल अखबार में छप रहा है. मैंने किसी से नंबर लेकर जब उस नंबर पे फोन किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो कानपुर में. और जब मैं फाइनली ही अग्रीड टू मीट मी इन माय होटल when I was interviewing him, police raided me. So that was just going against the narrative. And later I found out from my other friends who were in UP cadre, they said, you know, the SP is a known crook. SP is a known crook. Later he came to CBI and all the cases he touched, he turned it into a disaster. Because he was always like that. And people from his university was saying, he was saying, main jaunga to yahi karunga. This is even before any such order. Now with this order, it's like nothing is left. Even you know, this whole semblance of neutrality is gone. Constitutionalism is gone. And like we have seen during Bajpayee years, people, our friend, in our circle of people, we knew people who believe like this, but at least they kept quiet. Now this is like people openly talk. People are middle class, upper middle class, they say things and they're getting away with it. एक सवाल कि मैं क्या आप मानते हैं कि आरएसएस इस देश के संविधान के को मानती है, संविधान को पर विश्वास है उनका? नहीं है वो क्लियरली आइडियोलॉजिकली नहीं है, नहीं है उनके बहुत बयान आए थे. और आईएएस अफसर बनते हैं या आईपीएस में जाते हैं या फॉरेन सर्विस में जाते हैं या जज बनते हैं, तो सबसे पहले हमें संविधान की रक्षा का एक एक प्लेज लेना पड़ता है. तो अगर मैं आरएसएस का मेंबर हूँ घोषित तौर पे और मैं उस विचारधारा का को मानता हूँ जो संविधान को नहीं मानता है, तो मैं संविधान की रक्षा कैसे करूँ? जी बिल्कुल सही बताया आपने. मतलब हम संविधान की क्या, आप भारत के राष्ट्रीय ध्वज की बात करें, कई दशक तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यालयों में भारत का ध्वज नहीं फहराया जाता था, तो बहुत बाद में जाके हुआ है. संविधान में आप उस समय के जो सरसंचालक थे गोलवालकर, एमएस गोलवालकर, उनके कई बयान आपको देखने को मिलेंगे जो संविधान को बिल्कुल कंडेम करते थे कि ये कोई संविधान. तो बहुत हमको ऑन रिकॉर्ड बहुत स्टेटमेंट्स आर्टिकल्स मिलेंगे जो एक तरह से पूरी तरह से यू नो नेगेट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को. जो अक्षय जो बोल रहे थे, एक चीज जो मैं ऐड करना चाहता हूं कि पहले लोग चुप रहते थे, अब खुल के. असल में क्या हुआ है कि हिंदुस्तान की राजनीति को हम अगर देखने की जो टर्निंग पॉइंट हुआ है वो हुआ है राम जन्मभूमि, अयोध्या, बाबरी मस्जिद, उस पूरे के पूरे मसले को लेकर. तो 1900
80 के दशक से शुरू हुआ है। इस आंदोलन का शुरू में किसने, कौन इसके गार्डियन थे? विश्व हिंदू परिषद तो आगे थी नाम के वास्ते, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बहुत बड़े कार्यकर्ता उसके वर्चुअली कोऑर्डिनेटर थे और वो लगातार इसको एक तरह से गाइड करते रहे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मतलब टॉप 5 के जो लोग थे वो लोग एक तरह से गाइडिंग स्पिरिट्स थे विश्व हिंदू परिषद के किस तरह से आंदोलन को चलाया जाए। ऑफिशियली तो जाके 1989 में जून में पालमपुर में रेजोल्यूशन पास करके भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या आंदोलन को अपना वो स्टैंप दिया। अयोध्या आंदोलन के चलते ये जो पहले चुप थे लेकिन अब हम बोल सकते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमको अयोध्या आंदोलन के थ्रू देखने को मिलता है। और ये फाइनल जो चीज है जो बिल्कुल उभर के जो ब्यूरोक्रेसी में अब आपको किसी को कुर्सी पे बैठ के उन लोगों की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तारीफ करने वाले लोग भी मिल जाते हैं, ये दरअसल हुआ है पिछले 20 सालों में। मैं एक तरह से कहूंगा पोस्ट 2002 जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी थोड़ा कंफ्यूजन फैल गया था कि मोदी को रखें या नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाए, लेकिन एक एक सेक्शन हावी हो गया और उसके बाद भी सिर्फ एकमात्र नरेंद्र मोदी थे जो कन्विंस थे कि ये राजनीति को अगर मैं परस्यू करता रहूं, ये हार्डलाइन राजनीति को, तो अल्टीमेटली मैं लोगों को एक तरह से मॉरल करेज दे पाऊंगा अपने अंदर की बात को कहने की, जो बाकी लोग नहीं कर पाए। यहां तक कि मतलब लालकृष्ण आडवाणी के बारे में कहा जाता है जिन्होंने एक तरह से मेन स्ट्रीम किया पूरे संघ परिवार की राजनीति को, अल्टीमेटली जाके उनको भी लगा कि एक सीमा के आगे संघ परिवार की राजनीति नहीं चलेगी, हिंदुस्तान के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने 2005 में जाके जिन्ना के बारे में वो सब बातें उन्होंने जब बोली थी, खैर उसमें डिटेल में नहीं जान सकता हूं। तो आरएसएस थिंकिंग हैज बीन नॉर्मलाइज्ड ओवर द लास्ट 40 इयर्स प्राइमरली आई थिंक नॉर्मलाइज्ड से भी बढ़ के लेजिटिमाइज्ड, मतलब इट्स नॉट ओनली ऑल राइट। मेरे पिताजी आईएएस अधिकारी थे, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूं कि इस तरह की बातचीत जो हम आज करेंगे सुनते। तो मुझे जो आप कह रहे हैं रंजन, मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के मूवमेंट के बाद समाज में ये नॉर्मलाइज हो गया, लेजिटिमाइज हो गया, लेकिन उसके बाद ये पिछले 10 सालों में सरकार के अंदर और जुडिशरी के अंदर भी इसको साफ तौर पे इन प्रेजुडिसेस को, इस नफरत को मतलब स्पष्ट रूप से उसको सामने रखना, ये एक नॉर्मल हो गया है। इनफैक्ट जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं वो अब थोड़ा सा उनको घबरा के उनको लड़ना पड़ रहा है। दैट इज द चेंज दैट दे हैव इनफैक्ट मेड द डिस्कोर्स ऑन सेक्युलरिज्म। अब मैं कई बार लोग थोड़ा घबरा, मैं कह रहा हूँ सेक्युलरिज्म इज एट द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आप घबरा क्यों नहीं रहे? अब तो सीना तान के हम कहें कि मैं सेक्युलरिज्म पे मेरा यकीन है, पर आज मैं हिंदुत्व पे मेरा यकीन है वो मैं सीना तान के बोल सकता हूँ। I have to just make one small point, maybe a little away from this government order, is kind of people who are coming into bureaucracy, we have to look where are they getting, where is their breeding ground. In Delhi University, forget other universities in this country, the kind of appointments which have happened, so the next 30-35 years, DU, JNU and all these universities are ruled. I'll give you an example of one teacher in Ranjas College coming and saying in the class that under every mosque there is a temple. Okay, right? This is a professor. This is a professor. Now, what do you expect in the class of 30 or 35 students? What are they going to, what kind of civil services they'll get into? What kind of bureaucrats they'll turn into? Yeah, so this is just a big problem which has happened. And not only this, they say that a lot of the coaching centers are also being run by the RSS. Yeah. See, RSS ki khasiyat ye hai, matlab baki hum log kal ke bare mein bhi nahi sochte hain, ye log agli peedhi ke bare mein sochte hain, usse agli peedhi ke bare mein bhi sochte hain. That you have to give it to them. No, absolutely. See, hard work and building blocks, so unko lagta hai ki baki sab jagah par police aur प्रशासन और जजेस में
हमारे लोग बैठे हों, ये भी मतलब टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, दैट इज़ अ वेरी क्रूशल स्टेप. आई फील के इस ये जो फैसला है इतना महत्वपूर्ण है हमारे देश के का ये जो बदलाव हुआ है, तो इसमें इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट माइलस्टोन. उस पर हम लोग खास ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई दिस कॉन्वर्सेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. इसमें मैं थोड़ा सा एक ऐड करना चाहूँगा. जब हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था 1980s में या लेट 70s में, या आप मेरे से एक बैच से जूनियर हो जी, 81 में आप आए थे, 81 में मैं, आप 80 में आए, तो उस समय जो सब्जेक्ट्स थे वो काफ़ी सेक्युलर थे, उसमें सब्जेक्टिविटी कम थी, ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा थी. अब क्या है, अब CS80 वगैरह आ गए हैं, GS के नंबर बढ़ा दिए गए, उसमें जो सब्जेक्ट्स आए हैं जैसे एथिक्स आ गया है, या आपकी और भी कई सारी चीज़ें हैं कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के लिए जो जिस तरह से आपके उसमें कुछ इस तरह के सब्जेक्ट्स बड़े सब्जेक्टिव हैं, वो अब उस सब्जेक्टिविटी के होते हुए किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और किस तरह के सवाल को सही माना जाएगा, उसमें मुझे बड़ा शक होता है कि इनकी आइडियोलॉजी से मिलते जुलते जवाब ही सही माने जाएंगे. एक तो ये चीज़ है. दूसरी बात, जहाँ तक फॉरेन सर्विस की बात है, आप जब अखंड भारत की बात करेंगे, आपने देख लिया नेबरिंग कंट्रीज में क्या हो रहा है, कितने नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, सार्क का क्या हुआ पता ही नहीं, सार्क को तो लोग भूल ही गए हैं, कितने नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, उसका कारण क्या है. अखंड भारत, जितने भी सार्क मेंबर्स हैं वो सारे तो अखंड भारत के हिस्से हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, और चाहे म्यांमार हो. म्यांमार को भी इनके जो झंडे में आप देखिए, श्रीलंका को, सबको अखंड भारत का ही हिस्सा बताया जाता है. तो जब एक हम रिश्ता कैसे बना सकते हैं, जब एक डिप्लोमेट उस थिंकिंग के साथ जाता है कि अरे भाई ये तो मेरे ही हिस्से हैं, मेरे से ही अलग हो गए हैं और एक दिन उनको साथ में लाना है, तो आप देखिए कि वो निर्णय क्या लेगा, उसका उनके प्रति कैसा भाव होगा, कितना उनको सम्मान करेगा, कितना बराबरी का दर्जा देगा. तो जो आपकी सोच है, आपकी सोच हर जगह काम करेगी, यानी डोमिनेट करने की, बिग ब्रदर की, और वही आपका जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ एटीट्यूड होगा, तो आप देख रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है. दूसरी बात, आप सोशल मीडिया पे उतना पता आपको नहीं चलता है, सरकारी उसमें तो ऑफिशियल तो इस तरह के स्टेटमेंट नहीं आते हैं, या तो आप देखिए जितने गोदी सो कॉल्ड गोदी चैनल्स हैं उन्हें देखिए, या सोशल मीडिया पे पोस्ट पढ़िए आईटी सेल के जो घूमते रहते हैं, उनको देख के तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये किस तरह की थिंकिंग को यहाँ फैला रहे. वो कहते हैं कि हमें कश्मीर में भी उसी तरह इलाज करना चाहिए जैसा इसराइल पैलेस्टीनियन के साथ करता है. तो यदि हम इस थिंकिंग के ब्यूरोक्रेट्स लाएंगे और उनकी पोस्टिंग कश्मीर में होएगी, वो क्या करेंगे, क्या करेंगे? ऐसे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स की पोस्टिंग यदि मणिपुर में होगी, नागालैंड में होगी, तो क्या करेंगे. तो ये सब चीज़ें इस तरह की हैं जो कि आपके वर्ल्ड व्यू से, आपकी आइडियोलॉजी से, आपकी लाइन ऑफ थिंकिंग से आती हैं. नहीं, आप बिल्कुल आप NC सक्सेना जी की बात कर रहे हैं, वो डायरेक्टर थे जब मैं, और PS अप्पू साहब तो एज ए प्रोबेशनर, और NC सक्सेना जब मैं था, हम लोगों ने मिल के मतलब उस जगह को जो ऑफिसर्स थे, हमने कहने की कोशिश की, मेरे और साथी भी थे, कि योर ड्यूटी इज़ टू स्टैंड विद द पुअरेस्ट, विद द मोस्ट वल्नरेबल, और आप इस तरह के, और लोग मतलब आदर्श तो है, आदर्श जब नौजवान हैं तो आप आदर्शों के साथ आते हैं. लेकिन इस माहौल में मेरा आखिरी सवाल, और ये गंभीर सवाल है, और ये बातचीत भी बहुत हद तक जो खतरे की घंटी जो हम बजाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसके बारे में सोचें. इस फैसले के बाद जहाँ जज, पुलिस अधिकारी, IAS अधिकारी, टीचर और डिप्लोमेट सभी घोषित तौर पे RSS के सदस्य हो सकते हैं, जो संविधान के मूल्यों के खिलाफ हैं, खतरे की घंटी मुझे तो बहुत साफ सुनाई दे रही है.
इस देश के लोकतंत्र के लिए। और मैं अगर एक दलित हूँ या मैं एक मुस्लिम माइनॉरिटी का या हूँ या आदिवासी हूँ, मुझे गांधी जी ने एक बार कहा था कि जो जब आप दुविधा में हों तो सबसे शोषित सबसे कमज़ोर इंसान को याद करते हुए सोचें कि क्या आप कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि नहीं। तो उस जगह में अपने आप को डालने की कोशिश कि उनकी नज़र में अब देश का लोकतंत्र कैसा रहेगा, उस अंतिम कमज़ोर शोषित व्यक्ति के लिए इस फैसले के बाद, सरकार के इस फैसले के बाद। अक्षय, आप उम्मीद फुल जिसको कहते हैं ना, द आइडिया ऑफ इंडिया विच द कॉन्स्टिट्यूशन, द फाउंडर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड इन माइंड एंड इट वर्क्ड विद ऑल इट्स प्रॉब्लम्स हियर एंड देयर, इट वर्क्ड मी दिस होल दैट आइडिया ऑफ इंडिया इज गॉन और इट्स ऑलमोस्ट गॉन। हिंदू राष्ट्र का एक तरह से ये औपचारिकता, मतलब इट्स फॉर्मलाइज्ड, इट्स फॉर्मलाइज्ड, वी सी इंस्टीट्यूशन, वी सी जजेस, वी सी पार्लियामेंटेरियंस, पीपल फंक्शनरीज हु रन पार्लियामेंट टॉकिंग ओपनली इन पार्लियामेंट, वी हैव सीन कोर्ट्स, वी हैव सीन ब्यूरोक्रेसी एंड नाउ विद दिस ऑर्डर। सो दिस इज लाइक, आई विल नॉट से द लास्ट स्ट्रॉ, बट आई विल इवन, आई एम अ काइंड ऑफ अ ऑप्टिमिस्ट, but I'll say this idea of India is severely damaged and someone will have to really rework this is a serious thing which has happened one after the other. Niranjan, aap wo Gandhi ji ke antim vyakti ke nazar se bhi baat kar rahe hain. Dekhiye, agar pichle kuch saalon ko hum dekhen ki kis tarah ki rajneeti gayi hai to kai cheeze jo kabhi kalpana nahi kar sakte the wo hone lage hain. नागरिकता को धर्म के साथ 2019 में जोड़ दिया गया, उसके नियम भी आ गए 2024 के चुनाव के पहले, अब उस पर आगे अमल कर। मुख्यमंत्री हैं असम के, और जगह के भी मुख्यमंत्री करेंगे जब उनमें कॉम्पिटिटिव मेजोरिटेरियनिज्म संघ परिवार के अंदर वो और आगे जाएगा। तो लव जिहाद तो था ही, लव जिहाद कंपेटिटिव हेट, मतलब जो ज्यादा हेट करेगा वो ज्यादा, हाँ, जो ज्यादा उसको ज्यादा तो उसका उसको ज्यादा तरक्की भी देगी। कांवड़ यात्रा के समय वो ऑर्डर निकाला योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, क्योंकि उसको लग रहा था कि केंद्रीय लीडरशिप जो है उनको आउस्ट करना चाह रही है, तो एक तरह से वो अपने फेंसेस बना रहे थे उसको रोकने के लिए, अच्छा ज्यादा बेहतर हिंदू बन जाए। तो ये एक समाज में आ गया है, मुसलमानों में हिंदुस्तान में आम, ये एक एग्जिस्टेंशियल सवाल है और ये आगे चलते और ही एक्यूट होता जाएगा। अशोक जी ने और आप ने भी डिप्लोमेट्स की बात की कि वहां पे भी इन्फ्लुएंस हो रहा है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, जब हम आज बात कर रहे हैं, ठीक कुछ ही घंटे पहले जो सरकारी वहां है, जो RSS के नंबर 2 है एग्जीक्यूटिव पोस्ट में नंबर 1 भैया जी जोशी, उन्होंने कहा भारत सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए, उन पे अत्याचार ना हो, उनके लिए कुछ कदम, ठोस कदम उठाने चाहिए। ये भारत सरकार के ऊपर एक अजीब किस्म का प्रेशर आ रहा है, उसके पीछे बैकग्राउंड दूसरा है कि अंदर अंदर पावर ऑफ सुप्रीमेसी चल रही है संघ परिवार के अंदर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के टॉप ब्रास और नरेंद्र मोदी और उनके जो बहुत ही जो लॉयलिस्ट नेता है भारतीय जनता पार्टी के, कॉन्ट्रडिक्शन है इनके अंदर बहुत, और खासतौर से 2024 के चुनाव के पीछे कि क्यों हुआ आखिरकार 20% भारतीय जनता पार्टी का लॉस क्यों हुआ, somebody has to be held accountable, बीजेपी नहीं करेगी किसी को, तो RSS is trying to do it, लेकिन जो ओवरऑल जो पॉलिटिक्स की प्रोग्रेशन है डिस्पाइट ऑल दीज यू नो इंट्रा फैमिली इंट्रा यू नो फ्रेटर्निटी फाइट्स, जो जनरल जो नैरेटिव टुवर्ड्स हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म या हेट्रेड फॉर द माइनॉरिटीज वो आगे चलता रहा, क्योंकि दूसरी तरफ से अभी कोई ज्यादा स्ट्रांगली बोल नहीं रहा है। पहली बार हुआ है कई सालों में कि ऑपोजिशन के पार्टीज ने कुछ मुद्दों पे खास तौर पे बोला है, आगे चल के देखते हैं कि वो एक ऑपोजिशन
मतलब ऑपोजिशन कर सकती है या नहीं, या फिर वही पुरानी राजनीति जो सॉफ्ट हिंदुत्व की जो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं वही उसको करता रहे। हिंदू ईडियम को इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन राजनीति में उसका कॉम्प्रोमाइज नहीं दिखना चाहिए जैसे पहले भी करता। तो सिचुएशन ब्लीक है, लेकिन थोड़े बहुत फाइट बैक के चांसेस दिख रहे हैं। कहां तक आगे क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है। निरंजन, मैं कह रहा हूँ फाइट बैक तो है, लेकिन जो स्टील फ्रेम की कल्पना थी और हाई जुडिशरी की कल्पना थी कि ये रक्षा करेंगे, उसकी संभावना और कम हो गई है। हिंदुस्तान का नागरिक आज भी, हम भारत के लोग इस देश की के लोकतंत्र को, इसके सेक्युलरिज्म को बचाएंगे, इसका यकीन मुझे अभी भी है। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशंस, जुडिशरी, सिविल सर्विस, पुलिस, मीडिया, उन सब पे उनका अगर आरएसएस का प्रभाव इतना खुल के आए तो एक हमें और बिल्कुल एक अलग दिशा में ले जाएंगे, संविधान की दिशा। बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी जी, नेहरू जी की जो कल्पना की देश थी वो तो हम नहीं रह पाएंगे। हम भारत के लोग फिर भी कोशिश करते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अशोक जी, आपको द लास्ट वर्ड, व्हाट इज़ द इंडिया वी लुक फॉरवर्ड टू इस फैसले के बाद? नहीं, मैं इतना पेसिमिस्टिक नहीं हूँ, क्योंकि जो हिंदूज हैं वो इतने डाइवर्स हैं और उनमें इतना रेजिलियंस है कि उनको एक मोनोलिथ के रूप में हम नहीं देख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि यही शक्ति भी है, यही शक्ति भी है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो हमारी संस्कृति इतने साल से चली आई है, जो समावेशी है, उसमें ये बहुत ज़्यादा दिन चल पाएगा। मैं तो ये समझता हूँ कि इसकी एक पीक पहुँच गई है, ये अपने चरम पर पहुँच गया है, अब इसका ढलान शुरू हो चुका है। और मैं जब फील्ड में जाता हूँ, मैं गांवों में भी जाता हूँ, जिन गांवों में वेस्टर्न यूपी में दंगे हुए थे 2013 में, या जो लोग बहुत ज़्यादा भक्त बने हुए थे और बहुत ज़्यादा फैनेटिक थे, उनसे भी मैं मिलता हूँ, तो उन घटनाओं को वो भूल जाना चाहते हैं। अब लोग फिर से रोजी रोटी की समस्या पे, महंगाई की समस्या पे, उस पर बात करने लगे हैं, और हिंदुत्व के मामले में वो कम बात करते हैं। वो रिलीजियस हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि उनका रिलीजियस होना कम हो जाएगा। हमारा सेक्युलरिज्म रिलीजन के विरोध में नहीं था, रिलीजन के विरोध में नहीं है। रिलीजन फिर से प्राइवेट स्पेस में जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मेरे तो जितने भी दोस्त हैं, जितने रिश्तेदार हैं, वो सारे के सारे आप जानते हैं हिंदू हैं, और बीच में बहुत कट्टर हिंदुत्व वाले हो गए थे, रिलीजियस तो हैं ही हैं, लेकिन अब वो उस तरह की बातें नहीं करना चाहते। वो कहते हैं हम रिलीजन, हमारा भगवान हमारे साथ है, हमारा रिलीजन है, हम मानते हैं, लेकिन उसके अलावा भी चीज़ें हैं। यानी हमें रिलीजन को हेट्रेड के लिए या लड़ाई झगड़े के लिए यूज़ नहीं करना है। मैं बड़ी सिंपल बात, बहुत ही सरल शब्दों में कह रहा हूँ कि अब लोग समझ गए कि इसका लड़ाई झगड़े से कोई संबंध नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है, और लोग अब उससे हटने लगे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नास्तिक होने लगे हैं या रिलीजन छोड़ने लगे हैं, लेकिन वो अब सोचने लगे हैं इस बारे में कि हम मिलजुल के ही रह सकते हैं, और ये सब जो हिंदुत्व की बात है या अखंड भारत की बात है, ये सब बेवकूफ़ियाँ हैं। आप अपना रोजी रोटी देखो, आप अपना वेलफेयर देखो, यदि आपके पास घर नहीं है तो अखंड भारत क्या करेंगे? आप किसके लिए लड़ेंगे? आपके पास खुद तो छत नहीं है, आपके घर पर तो बुलडोजर चल रहा है, आप किसके लिए लड़ेंगे? तो इसलिए लोगों ने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया है, और जब उन्होंने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया है तो वो जो एक फैनेटिसिज्म बीच में आया था, जो एक डिस्टोर्शन बीच में आया था, वो कम होना शुरू हो गया। ये मेरी खुद का एक्सपीरियंस है फील्ड में जाने के बाद। अब वो बात अलग है कि हमसे झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैंने देखा ये। नहीं देखिए, मैं और यही हम बातचीत, मुझे लगता है बहुत अच्छे मोड पे आप लाए हैं। भारत का जो समावेशी इतिहास है सदियों का, वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि उसको बचाने में हम भारत के लोग तो खड़े होंगे, नागरिक खड़े होंगे, इस देश का प्रशासन, इस देश की पुलिस, इस देश की जुडिशरी,
किस हद तक खड़ी रहेगी ऐसे वक्त में जहाँ पे उसके बहुत सारे सदस्य संविधान के ही खिलाफ जो विचारधारा है उसमें खुल के उसके हिस्सेदार हो सकते हैं। मुझे लगता है ये सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस टूटते जा रहे हैं और ये जो फैसला है ये बहुत घातक होगा इन इंस्टीट्यूशंस के निष्पक्षता में। लेकिन फिर भी हम भारत के लोग एक समावेशी इंसानियत, बराबरी, इंसाफ, जिस तरह का देश, बंधुता, जिस तरह के देश हमारे फाउंडिंग फादर्स मदर्स ने तय किया था हमारे लिए, हम फिर भी उसको बचा के रखेंगे। बस इतना बहुत दुख है कि जिन संस्थाओं को, जिन लोकतांत्रिक संस्थाओं की जिम्मेदारी थी कि वो इसमें बचाने में सहायक होंगे, वो और ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं। शुक्रिया, मेरे बहुत बहुत अच्छी बातचीत, आप सब ने बहुत ज़रूरी बातें रखी, शुक्रिया कि आप आए। जय हिंद, जिंदाबाद। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। Thank you.